بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. गुज़िश्ता दर्स के अंदर हम जो आखिरी लाइन पढ़ रहे थे या जिस लाइन पर हम रुके थे वो ये लाइन थी: वक़द सारा ज़िक्री फ़िल बिलादी फ़मन लहुम बिइख़्फ़ाए शम्सिन ज़ौउहा मुतकामिलू। ये शेर है, और फिर से एक बार याद दहानी के तौर पर कि ये अशार जो अभी चल रहे हैं ये उस शायर के कलाम हैं जिसका शुमार अरबी अदब की तारीख में अजीम शुरा में होता है, और वो शायर है अबुल अला अल-मअर्री, जो कि 5वीं सदी हिजरी का शायर है। इस शेर के अंदर या इस कसीदे के अंदर वो अपने तई फ़ख्र का इजहार कर रहा है, या हम ये कहें कि इस कसीदे का जो शेरी गरज है या शेरी मकसद है वो फ़ख्र है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी शेर कहा जाता है तो उसका कोई ना कोई गरज होता है, इसी को कहते हैं अगरादु शेर। तो ऐसे अरबी में के अंदर भी शेर के या अशार के अगराज होते हैं, उनमें से एक है मिसाल के तौर पर जैसे मदह है, किसी की तारीफ़ करना, उसमें से है गज़ल है, यानी कि किसी औरत की जो है खूबियों को ज़िक्र करना, ऐसे ही या औरत के तहीं शायर का जो लगाव है उसको ज़िक्र करना, और जो गज़ल मारूफ़ है, और ऐसे ही वस्फ है किसी चीज़ की जो है वस्फ बयानी करना, ऐसे ही रिथा है किसी की मसीह का किसी के लिए मसीह कहना, और हिजा है किसी की मजम्मत करना, और फ़ख्र है जैसे कि यहाँ पर है कि फ़ख्र का इजहार करना जो है। तो ये सारी चीज़ें ये सारे अगराज हैं, यानी कि जो कि शेर के अगराज में शुमार होते हैं। यहाँ पर इस कसीदे का जो शेर गरज है वो है फ़ख्र। इसके अंदर पिछले वाले शेर के अंदर शायर ने कहा था कि वक़द सारा ज़िक्री फ़िल बिलादी फ़मन लहुम बिइख़्फ़ाए शम्सिन ज़ौउहा मुतकामिलू, और मेरी शोहरत, इस शेर का मतलब कि मेरी शोहरत या मेरा चर्चा शहरों में या मुल्कों में फैल चुका है। तो अब कौन है, यानी कि हासिदीन, फ़मन लहुम ऐ फ़मन लिल्हुस्सादी ऐ फ़मन लिउलाइकल हुस्साद ऐ फ़मन यज़मनु लिउलाइकल हुस्साद। तो इन हासिदीन के लिए कौन ज़मानत लेता है इस बात की कि वो छुपा दे एक ऐसे सूरज को जिस सूरज की रोशनी भरपूर हो गई है या जो भरपूर रोशनियों वाला है, यानी कि एक सूरज है जो बिल्कुल अपनी बिल्कुल ताबनाकी के साथ क्या है वो बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल अपने फुल बिल्कुल शबाब पर है, उसकी रोशनी तमाम तरफ फैल चुकी है, किसी के बस की बात है कि उस सूरज को क्या है ढाँप दे छुपा दे, या उस सूरज की जो रोशनी हर तरफ फैली हुई है इस रोशनी को वो छुपा दे, नहीं। तो यहाँ पर जो सवाल कर रहा है, सवाल का मकसद है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, और यहाँ पर जो कह रहा है ये सूरज के बारे में नहीं कहना चाह रहा है, बल्कि इस सूरज से अपने आप को तशबीह देकर के इससे अपने आप के बारे में कलाम कर रहा है, यानी कि अपने आप को कह रहा है कि मैं उसी सूरज के मानिंद हूँ, कि जो सूरज है जो बिल्कुल चमक रहा है बिल्कुल अपनी पूरी ताबनाकी के साथ, तो मैं उसी सूरज के मानिंद हूँ, और जैसे सूरज की रोशनी दुनिया के तमाम हर हर कोने में गोशे गोशे में क्या है फैल चुकी है, ऐसे ही मेरी मिसाल है, मैं सूरज के मानिंद हूँ, और मेरी शोहरत, मेरा चर्चा, मेरा जिक्र तमाम जगहों पर मुल्कों में शहरों में फैल चुका है। तो अब किसी के बस की बात नहीं है कि मेरी कितने कितने शोहरतों को वो छुपाएगा, कौन कौन सी मेरी चीज़ों को वो छुपाएगा, कोई करना चाहे तो उसके लिए महाल है और नामुमकिन है। ये बात उसने पीछे कही थी। आगे आज यहाँ जो बात आ रही है आज वाली, यहुमुल लयाली बादु मा अना मुदमिरुन वयुस्किलु रद्वा दून मा अना हामिलु। यहाँ भी फ़ख्र ही का इजहार है, शायर कह रहा है यहुमुल लयाली, रात या रातें, रातों की फितरत क्या है, रातों को माना जाता है कि ये लोगों को गमजदा करती हैं, यानी कि ये रातों की फितरत है गमगीन करना लोगों को, दिन की फितरत है लोगों के गमों को कम करना। होता क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब दिन होता है तो दिन में आदमी
अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता है, अपने जानने पहचानने वालों के साथ उठता बैठता है, और ऐसे ही वो तमाम जो मनाजिर हैं, जो अच्छे मनाजिर हैं उनको देखता है। इससे उसकी जो परेशानी है, जो अंदरूनी परेशानी है, या उसकी जो तकलीफ़ है, उसका जो गम है, ये उससे कम होता है। जाहिर सी बात है, हकीकतन कम होगा। लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, लोगों को अपने गम बताना, और दूसरी चीज़ों को देखना जो है, तमाम हरियालियों को, हरियाली को देखना, सैर करना, चलना फिरना, इस सारी चीज़ क्या है, गम कम होता है, टेंशन कम होती है, परेशानी कम होती है। लेकिन जब रात का टाइम आता है, तो रात के टाइम पे क्या होता है कि आदमी के पास से ये सारी चीज़ें चली जाती हैं, लोग अपने घरों में चले जाते हैं, लोग सो रहे होते हैं, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, उसको कोई चीज़ दिखती नहीं है। अब वो बंद एक कमरे में बंद होता है, वहाँ पर अंधेरा छाया होता है, उस तन्हाई में, अंधेरे में होता है। अब वहाँ पर क्या है, वो सारी परेशानियाँ जो कि दिन में क्या है छुप गई थी, जो दिन में क्या है कम हो गई थी, अब दोबारा वापस आकर के फिर उस पर अटैक कर रही हैं। तो गोया कि इन परेशानियों को वापस लाने वाली कौन है, रात है। तो इनडायरेक्टली गोया कि रात ही क्या है परेशान कर रही है, रात ही क्या है आदमी को गमजदा कर रही है, और दिन वहाँ पर क्या है इनडायरेक्टली क्या है लोगों की परेशानियों को कम कर रहा था। तो रात की फितरत है कि गमगीन करना, लेकिन शायर कह रहा है कि मेरे अंदर जो गम है, जिस गम को मैं उठाए हुआ हूँ, जिन हमूम को और इन परेशानियों को मैं उठाए हुआ हूँ, अगर उस गम को क्या है उस गम का एक अदना सा हिस्सा भी अगर इस रात को दे दिया जाए या इस रात के ऊपर डाल दिया जाए, तो ये रात जो क्या है दूसरों को गमजदा करती है, गमगीन करती है, ये रात खुद ब खुद क्या है गमगीन हो जाएगी। यानी कि मेरी परेशानी का एक अदना सा हिस्सा क्या है इस रात को, इन रातों को गमजदा कर देगा, गमगीन कर देगा। यहाँ पर यानी कि एक तरह से वो अपने बारे में फ़ख्र कर रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा परेशानियों और गम को लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से जी रहा हूँ, अच्छे से ढंग से जी रहा हूँ, अच्छे से मैं क्या है उस गम से निमट रहा हूँ। अगर यही चीज़ एक थोड़ा सा हिस्सा रात को दे दिया जाए, तो रात क्या है उसके नीचे दब करके बैठ जाएगी। तो शायर कह रहा है यहुम्ल्लयालिया रातों को गमजदा कर देगी, बादो मैं अनमुद बेरोन, जिसको मैं छुपाए हुआ हूँ उसका एक अदना सा हिस्सा, या जिन गमों को मैं छुपाए हुआ हूँ उन गमों का एक बाज़ हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा रातों को गमगीन कर देगी, रातों को गमजदा कर देगी। तो ये चीज़ हो गई। और अगर हम इसको नवी एतबार से देखेंगे तो यहाँ पर कम रहेगा कि यह हम जो है ये फिर मुजारे है, हम मैं यह हम, इसके माने होता है, मैंने माना पिछले बदरस में आ चुका है कि इसका माना होता है गमजदा करना, गमगीन करना, और भी कई माने आते हैं यह हम के, लेकिन यहाँ पर इस सियाक में जो माना यहाँ पर मुराद है वो है गमजदा करना, गमगीन करना। अल्लयालिया ये यहुमो का मफूल भी है, और यहुमो का जो फ़ाइल है बाज़ो मा अना मुज़मिरुन, ये यहुमो का फ़ाइल है। कैसे फ़ाइल है ये, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये बाज़ो लिखा हुआ है और ये बाज़ो मुज़ाफ़ है, उसके बाद क्या है मा यहाँ पर जो है इस मा की नौयत मौसूला की, यानी कि मा बहुत कई सारी किस्में हैं, मा की बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर मा मौसूला है, यानी कि इसमें मौसूल है, और जब ये इसमें मौसूल है तो इसमें मौसूल के बाद लाजमी तौर पर उसके बाद एक जुमला आएगा, चाहे वो जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो, जो कि जुमलतुस्सला होगा। तो इसके बाद क्या है माँ के बाद देखते हैं तो यहाँ पर दो कलिमात हैं आना और मुदमेरुन, तो ये दोनों को हम देखते हैं तो ये मुब्तदा खबर है, आना यहाँ पर मुब्तदा है, मुजमेरुन क्या है उस आना की खबर है। तो ये मुब्तदा और खबर ये क्या हो गए मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गए, और अब ये जुमला इस्मिया खबरिया ये जुमलतुस्सला बन जाएगा यहाँ पर माँ का। असल में आना मुजमेरुन इया हो, जब हम जानते हैं कि जुमलतुस्सला के अंदर एक आयद होता है जो कि उस जुमला को मौसूल के इस मौसूल के साथ जोड़ता है, या एक आयद जो कि क्या है सिला की तरफ लौटता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अना मुदमिरुन इयाहु, या अना जी अना मुदमिरुन इयाहु, तो यहाँ पर जो है इयाहु जो यहाँ पर कोई ज़मीर मानेंगे मैसूफ जो कि माँ की तरफ लौटेगी, तभी क्या है इस जुमले की सेटिंग सही होगी, जुमले की बनावट सही होगी। या अना मुदमिरुहु, अना मुदमिरुहु इस तरह से भी बनाएंगे तो यहाँ की ज़मीर माँ की तरफ लौटेगी, और फिर इस तरह से ये मौसूल से रहा ये पूरा
इसकी सेटिंग बैठेगी क्योंकि आयत का होना जरूरी है। लेकिन चूंकि जब यह यहाँ पर जो ये जो जो आयत होता है अगर ये मफूल बही होता है और मफूल बही क्या होता है फकला होता है जायद होता है मफहूम होता है सियाक से, तो वो अक्सर क्या है वो जुमलतुस्सला से वो महजूफ होता है। यहाँ भी क्या है ये फजला या जो आयद है ये यहाँ से महजूफ है तो ये मफहूम है इसलिए इसको जो है यहाँ से गिरा दिया गया है। तो ये हो गया अना क्या हो गया अना मुब्तदा मुज़मिर उसकी खबर यह मुब्तदा खबर ये जुमला क्या हो जाएगा जुमलतुस्सला हो जाएगा व जुमलतुस्सला या मिनल जुमल अल्लती ला महल लहा मिनल इराब जुमलतुस्सला ये उन जुमलों में से है जिसका महलन कोई इराब नहीं होता है। तो उसके बाद फिर कहेंगे कि मा इस्म मौसूल और ये बाद वाला उसका सिला मा इस्म मौसूल का यहाँ पर इराब क्या है कि यहाँ पर मा इस्म मौसूल ये तो मबनी है मबनी अल सुकून कहेंगे मा इस्म मौसूल मबनी या इस्म मौसूल मबनी अल सुकून। तो मा इस्म मौसूल मबनी अल सुकून फी महली जर जर के महल में है ये क्योंकि ये मुजाफिल वाक़ है यानी कि ये और ये जुमलतुस्सला इसी किताबें है या दूसरे अल्फाज में कहें तो मौसूल और सिला मिल करके ये मुजाफिल वाक़ हैं बास मुजाफ के और ये बास मुजाफ और उसका माबाद ये मुजाफिल है यानी कि मा अनामुद मेरून ये मुजाफिल है और ये मुजाफ और मुजाफिल है ये फ़ाइल हो जाएगा यहमो फेल का यहमो फेल और इसका ये मफूल भी ही और ये बाद वाला इसका फ़ाइल इस तरह से ये जुमला फेलिया है। आगे वाला जो जुमला है वयुस्किलु रद्वा दूना मा अना हामिलु वयुस्किलु रद्वा अस्कल युस्किलु का माना होता है बोझल करना और रज़वा पहाड़ को बोझल कर देगा दूना मा अना हामिलु जिसको मैं उठाए हुआ हूँ उसका एक कमतर हिस्सा दूना माने कम तो दूना माने एक मुराद है कि कमतर हिस्सा जिसको मैं उठाए हुआ हूँ यानी कि जिन मुश्किलात को ज़िंदगी के जिन मुश्किलात को जिन शदाइत को या जिन परेशानियों को मैं अपने ऊपर उठाए हुआ हूँ अगर इसका एक हिस्सा इसका एक कमतर सा हिस्सा बड़ा हिस्सा नहीं कि छोटा सा हिस्सा भी अगर रज़वा पहाड़ी के ऊपर रख रज़वा पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए तो वो पहाड़ क्या हो जाएगा बोझल हो जाएगा उसके बोझ के नीचे दब जाएगा। ये भी अपने आप को जो है यहाँ पर अपने आप की जो है बहादुरी को जिक्र कर रहा है कि मैं ज़िंदगी के जिन मसाइल से दो चार हूँ जिन मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ अगर पहाड़ पर करूँ तो ये भी कहा पहाड़ दरहकीकत क्या है ताकत और कुव्वत की निशानी माना जाता है मजबूती ताकत में कुव्वत मजबूती कि मतलब वो कहीं से हिलता नहीं उसको कोई कुछ कर नहीं सकता वो बोझ है दूसरे पर। लेकिन ये क्या है कह रहा कि मेरी परेशानी ये बता दें खुद उस पहाड़ को भी क्या है परेशान कर दी। दरहकीकत ये सारे मानी अगर हम देखते हैं तो ये कह रहे ये जो है ये शायर अपनी ज़िंदगी में भी क्या है काफ़ी परेशानियों से गुजरा है माली परेशानी इसको थी फ़क्र फाका की परेशानी थी फ़क्र फाका से दो चार था लोगों की जानिब से इसको बगदाद में जब वहाँ गया था तो वहाँ भी लोगों ने इसको परेशान किया था लोगों की जानिब से इसको परेशानी थी और बता दें खुद ये शायर जैसे बात आ चुकी है ये शायर जो अबुल अला अलमारी है ये चार साल की तकरीबन चार साल की उम्र ही में क्या है ये नाबीना हो गया था इसको चेचक की बीमारी थी इसे की बीनाई जाती रही नाबीना था और परेशानी हर फ़क्र फाका फिर उधर से परेशानी जो है और फिर जो है इसके मतलब कम उम्र ही में इसके वालदेन का इंतकाल कर जाना तमाम की परेशानियों का एक अंबार इसके ऊपर था। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ज़हानत अता की थी इल्म और मारिफत से क्या है इसने अपना ताल्लुक जोड़ा रखा आखिर में क्या है इसने दुनिया और माफिया से अपने आप को अलग कर लिया और इसी वजह से इसकी जो है इल्मी इंतजात काफ़ी ज़्यादा हैं इसकी तसनीफ़ात बहुत ज़्यादा हैं और अपने घर में इससे महबूस कर लिया था अपने आप को कैद कर लिया था लेकिन लोग इसके यहाँ आते थे इस्तेफादा करने के लिए लेकिन ये मतलब चीज़ों से अलग हो गए थे इसने शादी भी नहीं की थी ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी ज़िंदगी की उसी की तरफ ये इशारा कर रहा है फिर भी कहा है कि मैं इस तरह से जी रहा हूँ फिर भी इतनी जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ इन सारी परेशानियों के बावजूद तो कह रहा है कि ये सारी परेशानियाँ अगर उसका एक अदना सा हिस्सा भी क्या है रातों के ऊपर डाल दी जाए तो ये रातें जो कि गमजदा करती हैं दूसरों को ये बताते खुद क्या है गमगीन हो जाएंगी और ये पहाड़ जो कि क्या है एक बोझ है दूसरे के ऊपर तो ये खुद ब खुद क्या है इस बोझ के नीचे क्या है ये दब जाएगा। तो ये माना है इस शेर का कह कि यहू मुल्लया अलियाबाद मेरुन रातों को गमगीन कर देगा मेरे गमों का एक बाज हिस्सा और रज़वा पहाड़ को बोझल कर देगा मेरे मुश्किलात का एक कमतर सा एक छोटा सा हिस्सा इसका मफहूम है। उसके बाद शायर कह रहा है आगे व इन्नी व इन कुंतु लखीरा समानहू लआतिन बिमा लम तस्ततीहुल अवाइलु
وہ من هذه القصیدہ, اور اسی قصیدہ میں سے ہے جس کے اندر وہ فخر کا اظہار کر رہا ہے, اسی میں سے یہ لائنیں بھی ہیں. وَإِنِّي وَإِن كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانُهُ لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ, اور میں اگرچہ میں بعد کے زمانے والا ہوں, اگر میں زمانے کے اعتبار سے بعد میں آیا ہوا ہوں تو یہ معنی ہے وَإِن كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانُهُ, اگرچہ وَإِن كُنْتُ الرَّجُلَ الْأَخِيرَ زَمَانُهُ, اگرچہ میں وہ آدمی ہوں جس کا زمانہ کیا ہے, سب سے جس کا زمانہ آخری ہے, جس کا زمانہ کیا ہے بعد میں آیا ہوا ہے, یعنی کہ میں گرچہ بعد میں آیا ہوا ہوں, مجھ سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں. تو کہہ رہا ہے ابھی بات آگے آئے گی, پورا پڑھیں گے تو معنی واضح ہوگا. تو کہہ رہا ہے کہ وَإِنِّي وَإِن كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانُهُ, اور یقیناً میں اگرچہ زمانے کے اعتبار سے بعد میں آنے والا ہوں, لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ, میں انجام دینے والا, میں لانے والا ہوں اس ان چیزوں کو جن کو پہلے کے لوگ نہیں لا سکے, یعنی کہ میں انجام دینے والا ہوں ان چیزوں کو جن کو کیا ہے پہلے کے لوگ نہیں انجام دے سکے. تو یہ میری کیا ہے خوبی ہے, شاعر کہہ رہا ہے یہ میرا کمال ہے کہ میں اچھے زمانے بہت ہی بعد میں آیا ہوں, لیکن ایسے ایسے کام میں کر سکتا ہوں, یا ایسی چیزوں کو میں لاتا ہوں, ایسی ایسی چیزوں کو میں انجام دیتا ہوں جن چیزوں کو پہلے کے لوگ کیا ہے نہیں کر سکے. تو یہاں بھی شاعر کیا ہے اپنے تئیں کیا ہے فضیلت کا, یا اپنے تئیں کیا ہے برتری اور فخر کا اظہار کر رہا ہے. یہاں بھی اگر ہم شعر کو اگر نحوی اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر ہو جائے گا وا حرف عطف ہے, اس کے بعد کیا ہے انی, تو انا کے ساتھ جو یا کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہی کیا ہے انا کا اسم ہے, اور اس کے بعد اس کو ہم معترضہ مان سکتے ہیں, اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو وہ ان کنت الاخیر زمان ہو, تو یہاں پر جو ہے کن تو فعل ہے, اور اس کے ساتھ جو تا کی ضمیر لگی ہوئی ہے وہ کانا کا اسم ہے, اور الاخیرہ کیا ہے اسی کانا کی خبر ہے, اور زمان ہو یہ اخیرہ کا فاعل ہے. تو الاخیرہ زمان ہو یہ خبر ہے کن تو کی, اور اس کو ہم, اور یہ جو ان ہے اس کو ان وصلیہ کہتے ہیں, یعنی اس کے بارے میں کہتے ہیں جس کو اگرچہ کا معنی جو ادا کرتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں آتا ہے. تو یہ ہوئی چیز ہو گئی. اور اب انا کی اگر ہم خبر دیکھیں گے تو انا کی خبر یہ والا حصہ ہو جائے گا جو پورا والا ہے لآتن بما لم تستطیعہ الاوائل, لآتن بما لم تستطیعہ الاوائل کی میں آتا بھی آتا, میں نے کل بتایا تھا آتا مانے آنا, اور آتا با مانے ہوتا ہے لانا, با لے آئیں گے صلہ اس کے ساتھ جھر بھی جھر, تو لانا کا معنی ہو جائے گا. تو میں لانے والا ہوں بیما ان چیزوں کو, لم تستطیعہ الاوائل جن کی استطاعت پہلے کے لوگ نہیں رکھ سکے, یا جن کو پہلے کے لوگ نہیں لا سکے, یا جن کو پہلے کے لوگ نہیں کر سکے. تو آتن یہ اس میں فائل ہے, اور اس کی اصل ہے آتیون, بات اس پہ گلا چکی ہے آتیون, اور یہ چونکہ انہ کی خبر ہے اسی لیے یہ مرفوع ہے, رفع اس پر ذمہ کہاں ہے تو ذمہ مقدر ہے اسیا پر جو یا تخفیف کے لیے محذوف ہو چکی ہے. تو یہ ہو گیا. اور یہاں پر جو لام دکھ رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں اللام المزعلقہ, لام مزعلقہ ہے. لام مزعلقہ کیا ہوتا ہے؟ لام مزعلقہ وہ لام ہوتا ہے جو کہ مبتدا پر آتا ہے تاکید کا معنی ادا کرنے کے لیے, لیکن جب مبتدا پر کوئی دوسرا مؤکد آ جاتا ہے یعنی کہ تاکید پیدا کرنے والا کوئی کلمہ آ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اس لام کو مبتدا سے ہٹا کر کے بعد والے کسی اور دوسرے کلمے پر کر دیتے ہیں, یعنی کہ مبتدا سے اس کو کھسکا دیا جاتا ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں اللام المزعلقہ, جس کو مبتدا سے کھسکا کر کے دوسری جگہ کر دیا گیا ہو. تو یہ لام مزعلقہ ہے جو کہ در حقیقت لام تاکید ہے, تاکید کا معنی ادا کرتا ہے. آتن بما لم تستطیعہ الاوائل, آتن جو ہے اور بیما باغ جو ہے اس کے بعد ماں اس میں موصول ہے, یہاں پر ماں اس میں موصول, اور ماں اس میں موصول جو یہاں پر ہے اس کے بعد تو کہ یہ موصول ہے, اس کے بعد اس کا جو جملہ ہے آگے والا یہ جملہ جملۃ الصلہ ہے. تو لم تستطعہ الاوائل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لم تستطعہ الاوائل, لم تستطع فعل ہے, اور اس کے اندر جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے اسی لم تستطع کا مفعول بھی ہے, لیکن جو کہ اپنے مفعول بھی اپنے فاعل سے مقدم ہے, اور الاوائل کیا ہے اسی کا فاعل ہے, لم تستطع فعل کا فاعل ہے. تو لم تستطعہ الاوائل یہ جملہ پورا کا پورا, یعنی کہ جو جملہ ہے جملہ فعلیہ ہے, یہ جملۃ الصلہ ہے, اور جس بات پیچھے آ چکی ہے جملۃ الصلہ ہی من الجمل التي لا محل لها من الاعراب, جملۃ الصلہ ان جملوں میں سے ہوتا ہے جن کا محل کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. تو یہاں کے ماں اس میں موصول, اگر ہم عام جو طریقہ ہے سمجھنے کا اس اعتبار سے کہیں تو اس میں موصول اپنی صلہ سے مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا باہر کے جر کا, اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا کس سے؟ آتن سے, اور آتن اپنے اس سے متعلق سے مل کر کے یہ خبر ہو جائے گی انی کی, انا کی.
اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جملہ اسمیہ خبریہ ہی اس کو کہیں گے. اور یہ بیچ میں جو بات تھی تو یہ بیچ والا تو ہے, یہ جملہ معترضہ ہے یہاں پر. اور یہاں تک بات ہو گئی, اور پھر انشاءاللہ جو ہے آگے والی جو باتیں ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے.